अब जो भाई साहब खड़े हैं वो बोल रहे हैं उसको वोट देना है, उसको देना है, उसको देना है, यहाँ तो मैं करो सबको वोट दो या फिर अपने मर्जी से दो। आशीर्वाद नहीं होती यार, अच्छा से तो कर रहे हैं माना गरीब आदमी का पेट पेट नहीं भरना। उसको आप प्रधान जी कांग्रेस की पूछ रही, जबकि आपके दो मुख्यमंत्री भी खड़े हैं, पुराना मुख्यमंत्री जी भी खड़े हैं, तो क्या लगा उन्होंने काम नहीं किया? नहीं करा, कुछ नहीं किया। सरकार के आयुष्मान कार्ड बनाए, इतना कुछ नहीं कर रहा है। देश का मुद्दा तो बेरोजगारी है, कैसे होती खाली दूर भाषण देने से यूथ को काम चाहिए, लेकिन काम क्यों है? गरीब आदमी सर गरीब आदमी सर हर बड़े आदमियों का काम कर रहा है, मोदी अगर नाड़ भी काट कर दे देना हाथ में, जब भी ये ठोकर मारेंगे। यहाँ पर उठान क्या है? यहाँ पे जी वैसे तो सारे कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी की जीतेगी जी, क्यों कांग्रेस पार्टी जीतेगी? बीजेपी को हर बारी वोट देंगे, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला हमारे अच्छे से, तो कांग्रेस पार्टी कोई बड़ी भाई बहनों। आज हम खड़े हैं करनाल लोकसभा सीट पे, और करनाल जो सीट है हरियाणा की सबसे ओल्डेस्ट सीट है, और यहाँ से बीजेपी के जो अभी रिसेंटली मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी जी का भी इलेक्शन है, और साथ में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी भी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और उनके विपक्ष में खड़े हैं बुद्धि राजा जी जो कांग्रेस और आप गठबंधन के दोनों पार्टी के कैंडिडेट है। आइए हम बात करते हैं करनाल से, और करनाल के लोग हैं इस इलेक्शन को किस दृष्टि से देखते हैं? नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा बबलू नाम है जी। बबलू जी कहाँ पर रहते हो आप? हांसी रोड। हांसी रोड कहाँ? ग्यालमर गली करनाल। हाँ जी। हाँ, आप ये बताइए जो इलेक्शन चल रहे हैं। हाँ जी। पहले आप ये बताएं कि यहाँ पर कौन सा बड़ा काम हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री का क्षेत्र है यहाँ पर, और मुख्यमंत्री का जो क्षेत्र होता है लोगों को बहुत उम्मीदें होती है। नहीं, ठीक है। हाँ हाँ जी, ये कहता हूँ कि यहाँ पे लेबर की बहुत कमी है। अच्छा जी। लेबर 600 है, मांगती 700 है, लेकिन हम 600 देते हैं। हम मैं मिस्त्री हूँ, मैं मिस्त्री हूँ, देते 200 है। हाँ, लेबर की दिक्कत आई है आपने, और बताइए इसके अलावा जो गवर्नमेंट कह रही है धरातल पर, हम ये सरकार कह रही है कि हम विकास के नाम पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो विकास तभी होता है जब आम जनता तक पहुंचे। आप ये बताइए कि वो विकास जो गवर्नमेंट कह रही है वो आप तक पहुंचा कि नहीं? नहीं पहुंचा जी। अच्छा। हाँ, नहीं पहुंचा। तो बीपीएल कार्ड होते हैं, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल सारे कार्ड है मेरे पास। अच्छा, फिर आपको सिर्फ मीडिया सरकार से नहीं मिली? तो देखिए, बबलू जी ने कहा नहीं मिले। बबलू जी ये स्पष्ट कह रहे हैं कि हमारे पास बीपीएल कार्ड है, लेकिन नहीं मिली। सीट नहीं मिली। क्यों सीट नहीं मिली? क्योंकि आपका एक क्षेत्र भी मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम विकास के नाम पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, और यहाँ पर उन्हीं की एरिया के जो वोटर है वो ये कह रहे हैं हमें बीपीएल कार्ड होते हुए सीट नहीं मिली। नहीं मिली। अच्छा, और इसके अलावा कौन सा काम करना आगे बढ़ा हुआ है? कौन सा? कुछ भी नहीं है, रोजगार नहीं है, और क्या करूँ? तो ये लेबर ऐसी ऐसी है, खाली आती है, खाली चली जाती है। तो आप ये बताइए, एक आधा कोई गया नहीं, तो नहीं भी गया। तो आप ये बबलू जी ये बताइए। हाँ जी बोलो। कौन सा आपको लगता है कि काम नहीं हुआ यहाँ पर? काम हमारा मिस्त्री अभी मिस्त्रियों काम नहीं हुआ। हाँ। जो आपके कोरोना काल के बिल्कुल नहीं है। कोई ना कोई ना, हम सबसे पूछेंगे, सभी से पूछेंगे, हम आपसे पूछने आए हैं, आपके पूछने आए हैं। जो ये इलेक्शन हो रहा है, आप क्या देखते हो इसमें? आपको हम तो जी जहाँ वोट पड़ेगी तकड़ी वही देंगे। ये कह रहे हैं कि हम यहाँ जहाँ पर वोट पड़ेगी तकड़ी तकड़ी वहाँ घुमा देंगे, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। तो सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर लोग मतदान के प्रति जागरूक है, ये कह रहे हैं कि हम वोट क्यों डालेंगे, वो अच्छी बात है। बबलू जी आप आइए, आप आगे आप आइए। आपका नाम क्या है? बल्ली जी कहाँ रहते हो? पूरा रास्ता वो सामने देखिए। हाँ जी, सिर्फ कॉलोनी नंबर 1 गली वार्ड बस्ती में रहता हूँ। अच्छा, करनाल में? करनाल का। अच्छा, है ना, दिक्कत नहीं आया, सिर्फ मजदूरी की थी। अच्छा, सारे काम करने वाले थे, है ना, कोई हमारी सुनाई होती है,
अभी मिस्त्री मांगता जी 800 दिहाड़ी चल रही है, 600 मजदूर भी चल रही है। अच्छा मालिक आएगा आज 200 देगा 300 देगा, सारा दिन काम भी करना है ना जी, पसीना निकलता है जो झाड़े में मिले उसका खा जाएगा। तो आप ये बताइए, आपने मजदूरी की बात बताई है, आप ये बताइए कि आपको और कौन सी जो सरकार कह रही है विकास के नाम पर हम वोट मांग रहे हैं वो बताइए कि धरातल में वो विकास कहाँ तक पहुँचा है। मेरी बात सुनो, हम तो बहुत खुशी होते हैं। तो यहाँ पर किसकी लहर लगती है आपको जैसे आप कह रहे हो? जैसे देखो लहर तो देखो किसी किसी को, कोई मोदी को देगा कोई किसी को देगा वो वोट किसी को देगा है ना, किसी का मन का तो पता है मेरे को भाई कौन किसको वोट देगा कौन देगा। लेकिन ये लगता है कि यहाँ पर वोट बंपर वोटिंग होगी, यहाँ पर ये तो लगता है ना कि लोग यहाँ पर वोट डालेंगे। हाँ वोट डालेंगे, सभी डालेंगे, सब डालेंगे। यानी यहाँ पर ये दिख रहा है कि यहाँ क्या है, तमाम लोग है वोट डालने के लिए, लोग यहाँ पर पूरी तरह से तैयार है, वोट ही तैयार है, वोटिंग का महापर्व है, साथ देंगे, हमारा वोट नहीं कटना चाहिए, वोट नहीं कटना चाहिए, हम वोट जरूर डालेंगे। वोट कट रहे हैं आप क्या? नहीं नहीं चालू है, चालू है। हाँ वोट बन रही है। हाँ वोट बन रही है। अच्छा ये बताइए जो सरकार कह रही है मतदान आगे बढ़ाना चाहिए, जो हमारा सबका फर्ज भी है वोट डालना, वो एक बार और कहता हूँ मैं, इसका वोट कट रहा है उसका भी बनना चाहिए। अच्छा ये वोट बनना चाहिए। हाँ सही बात है, आगे तंग ना हो भी, बिल्कुल सही बात है। उसका वोट बन जाएगा उसको राशन मिलेगा, जिसका वोट नहीं होगा उसको राशन नहीं मिलेगा। तो आप ये कहिए आप कॉलोनी में रहते हो सभी, कॉलोनी की क्या दिक्कत है आपको? देखो दिक्कत कॉलोनी की दिक्कत कुछ नहीं है, यहाँ सीवर है और खुदे लग रहे हैं है ना, कहीं बंद है कहीं चालू है ना, बंद है दिक्कत यही है बस। हाँ तो उसके बाद यहाँ पर आते हैं, ये बंद हो गया वो बंद हो गया वो बंद हो गया, ये दिक्कत है इसमें। हाँ तो जो इलेक्शन हो रहा है उसको आप कितनी देखते हो, जो इलेक्शन है जो आने वाला इलेक्शन है, क्योंकि आपके एरिया में दो मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का विधायक का इलेक्शन हो रहा है और एमपी में पूर्व मुख्यमंत्री खड़े हैं, उसके बारे में आप क्या बताओगे? देखो स्टेम एरिया में सभी खड़े हैं, सभी खड़े हैं, ये नहीं कहता हमारे मोहल्ले में भी खड़ा है, दूसरे मोहल्ले में खड़ा, उसमें भी खड़ा, उसमें जिसको जिसका मन में हूँ मेरे को बोले उसे वोट देंगे उसको देंगे। अब ये भाई साहब खड़े हैं वो बोले हैं उसका वोट देना है उसको देना है उसको देना है, यहाँ तो मैं करो सबको वोट दो लेकिन अपनी मर्जी से दो, देखिए जो दिल चाहता है जो दिल चाहता है उसको वोट दो। तो बबलू धक्का नहीं करना, बबलू जी ने बहुत अच्छी बात की है, धक्का नहीं करना, लेकिन वोट जो है हम वोट जरूर डालेंगे, जरूर डालेंगे हम। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? ऊंची बोलिए, प्राची ऊंचा बोलिए, बोला था। तो ओम प्रकाश जी आपका चूंकि इलेक्शन यहाँ का इलेक्शन सबसे हॉटेस्ट सीट है हरियाणा की, यहाँ पर बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री लोग कर रहे हैं और जो प्रेजेंट मुख्यमंत्री है वो एमएलए का इलेक्शन कर रहे हैं, इस इलेक्शन को आप किस दृष्टि से देखते हो? अच्छा अच्छा प्लीज पता क्या बात है, हम आपसे मिलते हैं ऐसी बात नहीं होती यार, ऐसे ऐसे तो कर रहे हैं, माना गरीब आदमी का पेट पेट नहीं भरना, तो आप प्रधान जी प्रचार करेगा, ठीक है बात है, मैं आप तरक्की देखना थोड़ी पास होते अंकी तरफ भी देख रहा हूँ। प्रधान जी कह रहे हैं मैं 5 इलेक्शन लड़ चुका हूँ, अभी तक आपने आपको किसी पार्टी ने अप्रोच किया है? अरे किसी पार्टी ने आपको अप्रोच किया है? हाँ ओहो बड़े 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 कह करके बड़े बड़े काम करके बड़े बड़े काम करते हैं, कांग्रेस साहब ना कुछ नहीं कुछ नहीं ना, और
इतना सारा का सारा काम कर दिया, कोई कोई किसी बात की दिक्कत नहीं है। जब एक आठ से बारह बजे फल पकड़े जाएगा और नहीं पकड़े जाता है और सारी की सारी गली है जितनी मर्जी को वादा करता हूँ इस बात का, वादा करता हूँ मैं चुना तक ऊपर गाड़ी। अपना मोबाइल नंबर बोलिए आप, तभी कांटेक्ट करेंगे ना। अपने अगर मोबाइल नंबर बोलोगे तभी कांटेक्ट करेंगे। तो देखिए करनाल की ये शिव कॉलोनी है, जैसे कहते हैं कि लोकतंत्र मतदाता से चलता है और यही लोग होते हैं जो गर्मी में खड़ खड़ कर मतदान देते हैं और जो हम कहते हैं सरकारें जो चलती हैं वो इन्हीं के सिर पर चलती है। आप ये बताइए कि आपके यहाँ पर लहर किसकी चल रही है? ऐसे इस बार तो लहर चलेगी वैसे कांग्रेस की। कांग्रेस की, कांग्रेस की क्यों चलेगी जबकि आप पे दो मुख्यमंत्री भी खड़े हैं, पुराना मुख्यमंत्री भी खड़े हैं, तो क्या लगा उन्होंने काम नहीं किया? नहीं करा, खड़ा सीधे क्या काम किया, गरीब के लिए कुछ नहीं किया। सरकार के लिए आयुष्मान कार्ड बनाया, हम इतना कुछ नहीं कर रहा है साहब। यहाँ के लिए यहाँ करोड़ के सरकार ने बंदे भी लोगों के लिए। आप भावुक, आप रोइए मत, प्लीज प्लीज रोइए मत, भावुक मत होइए, रोइए ना। पंजाब, पंजाब लोगों के लिए कराए करना, इस बार तो पदवी जाएंगी और कांग्रेस आएंगी। देखिए ये क्या नाम है आपका? राकेश। राकेश जी ने स्पष्ट बताया, खुलकर बताया, हमें अच्छा लगा कि हमारे यहाँ पर आने का अगर एक शख्स भी सतर्क होता है तो हमारे आने यहाँ पर आने का सार्थक हो जाता है हमारा सफर। तो अब देखिए कितने लोग आ रहे हैं और इन लोगों ने, प्रधान जी ने, बबलू ने और केश ने सारी बातें रखी हैं कि यहाँ पर हमें क्या क्या दिखते हैं। अगर आप दिक्कतें बताओगे तभी हम बात करेंगे ना कहीं पर, अगर आप दिक्कत नहीं बताओगे हम कहाँ पर कैसे बात करेंगे। इसके अलावा क्या दिक्कत आ रही है? शौचालय बने आपके कॉलोनी में? शौचालय सामने है कि बस शौचालय बनाओ। हमारे बीच में और बहुत लोग जुड़ रहे हैं तो अच्छा लगा कि यहाँ पर जो हॉट सीट है, हिंदुस्तान की आवाम अपने पूरे दिखते पक्ष रख रही है यहाँ पर, ताकि इस बारे में अवेयर हो जाए। इस बार तो कांग्रेस ही आएंगी। अच्छा चलो ठीक है, जो भी मर्जी पार्टी है लेकिन वोट लूट आना आपने। आइए आपका नाम आप आइए क्या पोजीशन है पहले? देश का मुद्दा तो बेरोजगारी है, यूथ कैसे आपको पता है खाली घूम रहे हैं, भाषण देने से कुछ थोड़ी हो जाता है। यूथ को काम चाहिए, काम चाहिए। जो बेरोजगार है, आज बंदे मैट्रिक पढ़े, बीए पढ़े हुए, ई रिक्शा चला रहे हैं, क्या इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, पकौड़ों की रेडी लगा लो, कितने बंदे खा लेंगे पकौड़े, जब जेब में पैसे नहीं होंगे तो कहाँ से खाएंगे पकौड़े। तो सर हमारे देश को रोजगार चाहिए, रोजगार की बहुत कमी हमारे देश में। तो देखिए इस इस्तेमाल के अंदर लोगों ने एक एक मुद्दा रखा, बबलू ने पानी का रखा, प्रधान जी ने अपना मुद्दा रखा और आज ये जो शख्स है करनाल में आए हैं लेकिन इन्होंने अपने मुद्दा रखा कि हमारा मुद्दा बेरोजगारी का है, उसको दूर होना चाहिए। इसके अलावा बताइए कि जो ये इलेक्शन लड़ा जा रहा विकास के नाम पर वो धरातल पर कहां तक ठीक है? देखो मैंने पहले भी आपसे कहा है, यूथ चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो कोई भी हो, सर काम चाहिए, यूथ को काम चाहिए। तो आप ये कहिए इस एरिया में काम हुआ है? काम मैं कुछ तो आप कुछ नंबर दोगे सर? कुछ क्षेत्र में ऐसा है, हमारे फिल्म डायरेक्टर है अनिल बख्शी, ठीक है जी, वो एक बार आए थे तो कहते थे हमारे क्षेत्र में एक फिल्म बनानी है, ठीक है जी। तो हमारे जो विधायक है सुभाष सुधर वो गए थे। आप ये टाइम टाइम हमारे पास है नहीं जी, आप ये बताइए कि जो मौजूदा सांसद कुशेश्वर से नायब सैनी जी हैं, जो मुख्यमंत्री भी हैं, उनके कार्यशाली से आप कितना खुश हो? 10 रुपए नंबर दोगे? सर अभी तो आए हैं वो, नहीं एमपी पहले भी रहे हैं एम सर, उन्होंने कुछ नहीं सामने कैंपर देखो, सामने पड़ा जी। अब अरविंद जी कैमरा थोड़ा घुमाइए कैंपर की तरफ, कैमरा बताइए, काला डब्बू है जी देखो सामने, उन्होंने पानी रख रखा है और वो ये जितने मजदूर है उसके अंदर पानी देते हैं।
इस साइड भी देखिए ये भी लोग आए हैं चौपाल में, सभी आए हैं लोग, लेकिन बोलने का मादा तीन चार लोग ही रखते हैं। देखो एक बात और कहता हूँ जी, हमारी सविता पानी करो आप सर, जो मजदूर आदमी आते हैं वो देखो कैमरा रखा होगा सामने, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। हाँ जी तो आप बहुत झूठ डालना। हाँ, अब आ, हाँ, क्या नाम है आपका जी? दत्ता जी। दत्ता जी कहाँ रहते हो आप? पासे। हैं? पासे। ये कहाँ पर है? ये पड़ेगा कनाल ही पड़ता है आपका। हाँ, तो ये बताइए कनाल ये जो कारे हुए हैं तो अच्छा अच्छा तो आप कहिए जो आपका कहाँ पर रहते हैं वहाँ पर कौन सा विकास का एक काम हुआ है? कांग्रेस ने काम अच्छा हुड्डा सिंह जी ने काम किया ये कह रहे हैं। और आगे हाँ जी हाँ जी अब आगे आगे बोलोगे आप आइए आप एक मिनट प्रधान जी आपने बोल बोली है ठीक है ना। हाँ जी हमारे आपका क्या नाम है जी? हाँ जी हाँ जी तो आप कहाँ रहते हो? मैं शिव कॉलोनी का नाम रहते हो। शिव कॉलोनी के कौन कौन से डेवलपमेंट किए हैं गवर्नमेंट आप बता सकते हो? कौन कौन सा विकास हुआ यहाँ? बहुत बढ़िया हुआ है जी, चारों साइड से काम हुआ है। अच्छा लाइटें चलती भी हैं आपको? लाइटें लग जाती हैं, चलती नहीं चलती भी हैं? चलती हैं, क्या बात कर रहे हैं, सारी मैं रोज घूम के आता हूँ, रोज जाता हूँ, रात को सारी चमचम होती है सड़के। अच्छा ये बताइए आप ये बताइए कि जो मौजूदा आपके सांसद थे भारतीय जी उनकी कार्यशैली के पांच साल में कितने नंबर दोगे? दस में से कम आठ। आठ इन्होंने स्पष्ट कहा कि हम आठ मौजूदा सांसद को देंगे जो आने का इलेक्शन हो रहा है, तो इलेक्शन में आपको क्या लगता है किसकी वेल लगती है? कांग्रेस को दे हमने ये कहा किसी को भी दे हो लेकिन काम की वैल्यू है। काम काम इतना बहुत दिन कितना के कर मोदी गरीब आदमी सर सारे धरती में लिया बड़े आदमियों का काम मोदी अगर नाड़ भी काट कर दे देना हाथ में जब ये ठोकर मारेंगे मोटे आदमी चढ़ाए जितनी सेवा कर सका बंदा कितने कितने काम कर दिया मेरा क्या काम करवाएगा तो कितने तो दुनिया तो कर कांग्रेस ने काम किया अपने टाइम पे काम किया उसके काम मोदी जी बड़ी बड़ी पार्क नहीं है नहीं ना पार्के अरे गरीब बंदे को ना दुखी डाल के दे फिर मानता हूँ मोदी का गरीब का भला कर अच्छा मेरे रुपा है हमारा मां ये बाप नहीं है। खट्टर साहब ने क्या किया? अभी प्रोग्राम देंगे आप आइए खट्टर साहब का कुछ नंबर दोगे? हाँ जी तुम भी करनाल लोकसभा केंद्र में खड़े हैं और हरियाणा में करनाल ही ऐसा क्षेत्र है जहां पर एमएलए का इलेक्शन भी हो रहा है और साथ में हो रहा है लोकसभा का। हाँ हमारे बीच में जो सबसे मेन जो कड़ी होती है वो यही होती है पनवाड़ी की दुकान क्योंकि इनके पास सभी लोग आते हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। अच्छा क्या नाम है आपका? रामचंद्र। रामचंद्र जी ये बताइए कि आपके एरिया में आप रहते कहाँ हो? पूरा करनाल।
करनाल। अच्छा इस चौक का नाम क्या है? लेबर चौक। लेबर चौक, लेबर चौक पे हम खड़े हैं। और आप ये कहिए कि सरकार के लिए कौन से मेन काम किए? काम तो बहुत किए गिरा हुआ। तो आप ये कहिए आप मौजूदा सांसद को कितने नंबर देते हो? 10 में सात नंबर दे रहे हैं आप। ये सात नंबर क्यों दे रहे हो आप ये भी कहिए। तो आपके लोग बहुत आते हैं यहाँ पर, आते होंगे। तो अपने लोगों का रुझान क्या है आपका? आपकी तरफ लोग क्या कहते हैं कि इस बार कमल खिलेगा कि हाथ आएगा? अभी स्पष्ट नहीं करे, लोग खुल के भी तारे बताए। तो आपका अंदाजा क्या कहते हैं आपके लोग आते हैं लोगों के पास? 50-50 है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हर्ष कुमार है। हर्ष कुमार जी आप कहाँ रहते हो? मैं शिवकुरानी गली नंबर 1 में रहता हूँ, करनाल में। हाँ जी। तो आप ये कहिए कि मौजूदा सांसद को आप कितने नंबर दोगे? मैं 7 नंबर दे रहा हूँ। 7 नंबर आप क्यों दे रहे हो? बस थोड़े बहुत उन्होंने काम करे हैं इसलिए। अच्छा, तो आप जो इलेक्शन हो रहा है आपके वो सेंसिटिव इलेक्शन हो रहे हैं क्योंकि आपने पहले भी मुख्यमंत्री चुना और इस बार मुख्यमंत्री चुनकर आपके पास आ रहे हैं, तो उस इलेक्शन को आप किस चीज देख रहे हो? यहाँ पर रुझान क्या है? यहाँ पे जी वैसे तो सारे कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी जी। अच्छा, क्यों कांग्रेस पार्टी जीतेगी? इस बार बीजेपी को हर बार वोट देके कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला मार्केट में। अच्छा, इसलिए अब कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी मौका मिल रहा है। हम यहाँ पर करनाल में खड़े हैं और करनाल के एक एक दुकान पर जाने की हमारी कोशिश है कि हम अपनी जनता को जो ग्राउंड लेवल वोट है करनाल की वो बता सके। हमारे बीच में नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। सुरेश कुमार जी, यहाँ पर जो इलेक्शन हो रहा है, आपका इलेक्शन सबसे हिंदुस्तान में हॉट सीट बन रहा है। यहाँ पर मुख्यमंत्री भी खड़े हैं एमएलए का इलेक्शन और पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ से खड़े हैं एमपी का इलेक्शन। आप इस इलेक्शन को किस चीज से देखते हो? इसके विकास के काम पे जो देंगे मोदी को वोट उसी से देखते हैं। तो आप यहाँ आपकी यानी हमारा तो यही है, बाकी किसी क्या पता। हाँ, वो तो सबके लाख होता है। यानी आप सरकार की कार्यशैली से खुश हो? हाँ जी। खड़े हैं करनाल के सबसे व्यस्तम चौक सदर बाजार। सदर बाजार का ये चौक है। अरविंद जी का कैमरा आप लाके यहाँ की चहल पहल दिखाना, क्योंकि आज रविवार है फिर भी यहाँ पर लोगों का एक जमावड़ा लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है आज हम खड़े हैं यहाँ पर रेडी है, रेडी है यहाँ पर समोसे और साथ में ब्रेड पीस। करनाल वालों की खासियत है वोट भी डालते हैं लेकिन खाना पीना भी यहाँ का बहुत मशहूर है। हाँ, क्या नाम है बेटे आपका? कमल है जी। कमल, आपका नाम ही कमल है? हाँ जी। तो आपकी उम्र बताइए। मेरी उम्र है 21 साल। 21 साल। आपका पहली बार वोट डाल रहे हो कि दूसरी बार? ये पहली बार वोट। हाँ, पहला मतदान तो बच्चा कर रहा है, हम इससे बातचीत करेंगे। तो आपकी आपके पास दो बातें हैं यहाँ पर, किसकी का नाम कर रहे हैं यहाँ पर? कमल का, कमल है तुम्हारा नाम नहीं, बीजेपी के कांग्रेस यहाँ पर दोनों चीज का जोर चल रहा है। अच्छा, अधिकतर दोनों ही देखते हैं दिन में, दोनों की ईर्ष्या वगैरह जो करते हैं ना वो अनाउंसमेंट करते हैं, दोनों का जोर है। अच्छा, आपके लोग आते होंगे यहाँ पर? लोगों का रुझान तो देखो अब दोनों साइड ही जोर ज्यादा है, अब क्या कह सकते हैं किसी के बारे में, दोनों का जोर ज्यादा है इस बार। क्या कहा जा सकता है? तो आप पहली बार मतदान कर रहे हो, आपको सबसे पहले शुभकामनाएं आपकी सरकार के प्रवान की तरफ से। आप जैसे बच्चे जो पहली बार मतदान डाल रहे हो, आपके लिए चुनाव आयोग ने बड़ी फैसिलिटीज प्रोवाइड की है, लेकिन आप एक काम और करना क्योंकि हमारी मुहिम है प्रकाश की, हम मतदान ज्यादा से ज्यादा हो हमारे देश का, किसी भी पार्टी को वोट डालें लेकिन मत का प्रयोग जरूर करें। हम ये कहते हैं कि आप अपने सबसे बच्चों को भी कहना, जो आपके दोस्त है ना, कि आप वोट जरूर डालें। हाँ जी, मैं कहूँगा सबको मिल के कि आप ही वोट डालना, वहाँ जाना जरूर वोट डालना। तुम्हारा अगर जो तुम्हारे को सही लगता हो, किसी ने काम अच्छा किया हो, आप उसको वोट डालना जिसको आप पसंद करते हो। यार भाई, अपने जैसों को पता है कि हम सुबह से ही करनाल लोकसभा की और विधानसभा दो इलेक्शन यहाँ पर हो रहे हैं और यहाँ की हमने आपको पूरी ही ग्राउंड लेवल वोट बताई है और आपको कुछ हद तक समझ आ गया होगा यहाँ के लोगों के जो बातचीत हमने की है उसके ध्यान से यहाँ पर क्या स्थिति है। मैं आपको स्वास्थ्य शर्मा, अरविंद शर्मा जी के साथ अर्थ प्रकाश गुलाबी कुमार सिंह।